लुधियाना संगरूर मुख मार्ग से स्थित लहरा टोल प्लाजा से पिछले एक साल तो चल रहा धरना किसानों के वलों चुकन तो इनकार कर दिया गया। बीते दिन टोल प्लाजा से हुए वड्डे इकट्ठ दौरान किसान आगुओं वालों पिछले समय वख-वख इकाइयों वालों कीतियां शानदार सेवावां बदले उन्होंने मैंबरों को सन्मानित किया गया। धरने से मौजूद किसान आगुओं ने कहा कि धरना पहला की तरह जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि धरना चुकन उपरंत टोल प्लाजा वाले वालों टोल के रेट दुगने करन की खबर उपरंत रोष वजो एक कदम चुकया गया है। इस मौके लोक निर्माण विभाग अफसर और किसान आगुओं में इस मसले के हल के लिए गलबात बीती शाम तक भी सिरे नहीं चढ़ी और धरना पहला की तरह जारी रहा। उथे इस दौरान किसान आगू अमरजीत सिंह ने अजीत वैब टीवी गलबात करद कहा कि किसानों वालों धरने चुकन उपरंत टोल प्लाजा वाले रेट वधाई जाने कारण उन्होंने जथेबंधी के आगुओं ने फैसला किया। एक होर किसान आगू ने कहा कि किसान जथेबंधी उगराहा के ब्लाक अहमदगढ़ के प्रधान शेर सिंह महोली ने कहा है कि टोल प्लाजा के मालकों वालों टोल के रेट ना वधाने संबंधी लिखती विश्वास मिलने उपरंत ही धरने चुकन बारे सोचा जाएगा। प्रोग्राम तो पहला 15 संयुक्त मोर्चे ने आर्डर कराया भी टोल प्लाजे मॉल सारे पेट्रोल पंप वेले कर जिहड़ा साडा तुरत रात जथेबंदी ग्राहां बनियो प्रधान जी ने आर्डर कराया जगिंदर सिंह ग्राहां ने वह भी इन्हों तो पुछो भी जिहड़ा 40 तो 93 रुपये परची करती भी उन्होंने स्पष्टीकरण लवो भी जे नहीं देंदे स्पष्टीकरण तो दोबारे फिर इतने एक नहीं लगे रहने झंडे फिर अस पटने नहीं है हूँ साढ़े एस डी ओ साहब आए थे मेरे कोले तो वो साढ़े ना गल कर रहे उन्होंने चीफ तो सीधा लैटर मंगा लिया भी असी गरंटी दें नहीं बधाते वो हम लैटर ला के सारे लोगों दसागे भी हाँ यह जेडे 43 ने ज53 ने ज300 आ ट्रक का वो जो भी इन्हों का मार्ज होगा वह लिख के देंगे ए नहीं है भी दुगना तो तिगना बधा के कर देंगे भी लॉस होया सरकार नू होया सरकार दे काले कारनामे ना होया ना कि किसानां मजदूरां दे मुलाजमां दे कारण होया कोई असी तां दुखी घरों निकले सी दुखी है गए आज जे मंगा मन लैंदे पहले तां इह ना लॉस सरकार नू हुंदा ना सानू हुंदा ना असी इन्ने शहीद कराउंदे पंजाब दे नौजवान हरियाणे दे मुंडे कुड़ियां बच्चे भोरा भोरा यूपी दे जिहड़े इह गुंडे अफसरां ने गड्डियां चाड़ चाड़ साडे नौजवान खत्म करिया वीर पत्रकार विच ही सारिया के डांग भराई आ ये काम ना होंदे पानी दियां बरसालां सानू ना लैणियां पैंदियां ये सरकार दे गलत कारनामे ना हुण ये चकोंगा जी रखूगा अज्ज जे हुण सूबा कमेटी दा आर्डर आउंदा तां असीं चक सकदे आ जे ना आर्डर आया सानू भी रखो तां रखांगे असीं आए नहीं चक सकदे जिहड़ी गल्लबात तुहाडी होई आ रेट वधाउण बारे घटाउण बारे उहदे बारे की कहिंदे हुण इह अजे लिखती रूप च लैणा जी कह रहे हैं जवानी लगामी भी हाँ बधाते नहीं गे पर लिखती रूप से लेके छड़ा अज जी जो असी दिल्ली फतेह करी है संयुक्त मोर्चे तो भारतीय किसान यूनियन ने अगराहां ने फैसला किया जी 15 अगस्त अज तरीक न इस भारी इकट्ठ करने ने भी मोर्चों तो जोड़े टोल प्लाजा तो मोर्चे चकने ने पर साड़ी जथेबंदी ने फैसला किया भी इन्होंने रेट बढ़ाते तो मुलाजम हटाते जिन्ना चर रेट प्रॉपर पुराने नहीं सानू लिखती रूप देंगे ज पुराने मुलाजमान नहीं रखते असी उन्ना चर इतों आपके मोर्चे नहीं चकांगे ये समागम साढ़े इस तरह ही हो गए अच्छ भरमा समागम सगा जो दिल्ली मोर्चे के जुझारू साथी जी इकाइया जी उन्होंने अज सम्मानित किया गया ब्लाक बनियों से बख बख संस्थाव अणमिथे समय लिए चलू जिन्ना चर जी साढ़िया जगराह साहब ने कहा भी मंगा नहीं मानते हैं ये हूँ पंजाब सरकार को सोचना बनता चाहे आठों मुका दे चाहे 10 दिन मुका दे असी उन्ना चर ये मोर्चा नहीं चकांगे। उथे इस मौके पुजे लोग निर्माण के एस डी ओ इंद्रप्रीत सिंह ने टोल के दुगने हुए रेटा नकारद कहा कि सरकार अते टोल प्लाजे के समझौते तहत अनुसार ही वाधा किया जा रहा है। कह रही रेट साढ़े दुगने तिगने हो गए टोल के जबकि एज पर एग्रीमेंट जो साढ़े रेट साल बाद होंगे ने रिवाइज उ ने उन्होंने कोई 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के मार्जन होंगे यह रेट जे अज भी लागू ने यह 31 मार्च 2021 जोड़े सके जोड़े कि 1/4/2021 को लागू से उ रेट अच्छ चल रहे हैं कोई भी रेट का किसी तरह का वाधा नहीं सर वह कह रहे दुगने रेट करते जी अभी तो उठा रेट वापस रहोगे ये बारे कोई भी है नहीं कोई साढ़े को नहीं साढ़े तो रेट जोड़े ने 1 अप्रैल 2021 तो ने उ ने सर कि वाले हिसाब से जी
ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 21 'ਚ 5 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਦਾ 10 ਰੁਪਈਏ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਆ ਲੈ ਚੂਰੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦਾਲ ਲਈ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਵੀ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਆ ਪਈ ਹੈ ਮੰਜੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੰਤੋ। ਹਾਂ ਰੱਬ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਤੇ ਦਾਲ ਦਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੋਏ ਕਦੇ। ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ।